आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने, जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिंगोकर शिवजी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो, कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। शिव उसको संभाल। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती है, रोग समाप्त होता है। जिस व्यक्ति को रोग बहुत घेरा, बहुत ज्यादा रोग घेरा, एक बीमारी पूरी ठीक नहीं होती, दूसरी लग जाती, दूसरी ठीक हुई नहीं, तीसरी हो गई, तीसरी ठीक नहीं, चौथी हो गई, जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो, तो अगर शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं, तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाएं शंकर जी को चढ़ाने के लिए, फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं है, रोग समाप्त। काली मिर्ची शंकर को समर्पण करें। हमको बेटियों से नहीं करते, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर, 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए, और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए, वापस देगा, करेगा 3-4 महीने में।